गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कंपैक्शन का अगला पार्ट पढ़ेंगे जो कि सॉइल स्टेबलाइजेशन है। ये टॉपिक पे भी एसएससी जेई ने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं और आईईएस में भी और गेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। अगर हम इसको डिस्कस करें, क्योंकि हम इसको कंपैक्शन के साथ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कंपैक्शन में हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, उसी से इसको रिलेशन करना है, रिलेट कराना है ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम है दैट इज़ सॉइल इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ सॉइल इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन, मतलब कैसे हम सॉइल को इम्प्रूव करें और उसके अलावा सॉइल को स्टेबलाइज करें। स्टेबलाइज का मतलब ये होता है कि उसकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ना है, उसकी बियरिंग कैपेसिटी कैसे हम बढ़ा दें। बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाना, परमेबिलिटी का रिड्यूस हो जाना, सेटलमेंट कम हो जाना, कंप्रेसिबिलिटी कम हो जाना, ये सब पर्पज़ होता है हमारा सॉइल स्टेबलाइजेशन का। मतलब मुख्य मुद्दा हमारा यहाँ पे ये है कि सॉइल को कैसे स्टेबलाइज किया जाए, कैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, इन सब के बारे में हमने यहाँ पर बात करना है। अब यहाँ पे दो तरीका आता है, या तो मैकेनिकल आप कर सकते हो या तो केमिकली कर सकते हो। दो तरीके से आप कर सकते हो। मैकेनिकली करना है तो जाहिर सी बात है, अभी हमने कॉम्पैक्शन चैप्टर पढ़ा था, ज़्यादातर चीज़ें वहीं से रिलेट करोगे। और अगर आपको केमिकली करना है तो क्या करोगे कि बहुत सारे केमिकल्स वहाँ पर एडअप करोगे, वहाँ से आप बना पाओगे। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन से। देखिए, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन क्या होता है, इट कैन बी डन आइदर बाई मिक्सिंग ऑफ टू आर मोर सॉइल एंड कॉम्पैक्ट दीज मिक्सिंग सॉइल। ठीक है, मतलब कि ये कि हो सकता है कि एक सॉइल आपकी वीक हो और एक सॉइल आपकी स्ट्रांग हो। मान लिया कि एक क्ले है और आपको क्ले को कंपैक्ट करना है, तो हो सकता है कि आप उसमें सैंड प्लस सिल्ट को मिला करके उसको कंपैक्ट करते हो, दैट इज़ कॉल्ड मिक्सिंग ऑफ सॉइल। या हो सकता है कि कोई सॉइल बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग और श्रिंकेज की नेचर की हो, जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल। अब ब्लैक कॉटन सॉइल में आप अदर सॉइल मिला करके उसको मिक्स करके क्या कर सकते हो, कॉम्पैक्ट कर सकते हो। तो ये होता है आपका मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। मैकेनिकल इसलिए क्योंकि मैकेनिकल इक्विपमेंट का यूज करते हो, जैसे रैमर का यूज करते हो, रोलर का यूज करते हो, वाइब्रेटर का यूज करते हो, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ मैकेनिकल मेथड। ठीक है, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। नेक्स्ट थिंग इज, इसमें जो प्रोसेस होता है, एक तो प्रीलोडिंग का होता है और उसके बाद में सैंड कॉम्पैक्शन पाइल होते हैं और स्टोन के कॉलम्स होते हैं। देखिए, प्री लोडिंग का मतलब क्या होता है, प्रीलोडिंग का मतलब ये होता है कि सपोज दैट कि आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना है या कोई हाईवे बनाना है, उसके पहले आप उसको क्या करो, पहले से इसको कॉम्पैक्ट कर लो, पहले से उस पर लोड लगा दो ताकि वो सॉइल अच्छे से क्या हो जाए, कॉम्पैक्ट हो जाए। ठीक है, ये मतलब होता है। तो यहाँ पे ये दिस इज सुटेबल फॉर सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल। ये प्री लोडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट सुटेबल होता है, ये किसके लिए सुटेबल होता है, ये सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल के लिए होता है। अब ऐसा इसलिए करते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आपने मान लिया सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल लाइक क्ले है और क्ले पे आपने पहले से कॉम्पैक्शन कर रखा है, तो पानी धीरे धीरे क्ले से निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपल्सन ऑफ वाटर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कंसोलिडेशन। इसको क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन। अब ये सॉफ्ट सॉइल के लिए इसलिए सुटेबल माना जाता है क्योंकि क्ले की परमेबिलिटी बहुत कम होती है, तो इसको अगर आप पहले से प्री लोडिंग कर रखे होगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप बाद में लगाओगे तो पानी इतनी जल्दी से आसानी से नहीं निकलता है। क्ले के केस में वाटर निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि क्ले की परमेबिलिटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, परमेबिलिटी टॉपिक डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे कि क्ले के बारे में कि परमेबिलिटी इसकी कम क्यों होती है। तो ये सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल के लिए सुटेबल होता है। भाई देखो, सैंड अगर सॉफ्ट कोहेसिव के लिए क्यों सुटेबल हो, इसके बारे में थोड़ा समझो, प्रैक्टिकली रीजन मैं बताता हूँ। सपोज दैट आपके पास सैंड है, मान लिया आपको क्या करना है, कॉम्पैक्ट करना है। अब आपको पता है कि सैंड और ग्रेवल की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, तो जब भी आपको बिल्डिंग बनाना होगी तब भी आप लोड लगा दोगे, तब भी पानी आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन क्ले के केस में ऐसा नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए हमको ये सुटेबल किसके लिए, प्री लोडिंग जो है सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल के लिए सुटेबल है। हर एक चीज़ के बारे में आप देखोगे कि रीज़न रहता है। सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल क्यों लिया गया, क्योंकि इसमें आपको मान के चलिए परमेबिलिटी कम होती है, और परमेबिलिटी जिसमें कम है उसको आपको बहुत पहले से लोडिंग करना पड़ेगा, इसलिए याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। उसके रीज़न के पीछे जाइए, क्यों हमने उसको आप प्रेफर किया कि ये सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल के लिए होगा, तो दैट इज़ वाई इट इज़ सुटेबल फॉर सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल। नेक्स्ट बात करते हैं, सैंड कॉम्पैक्शन पाइल्स होते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक हालो स्टील का इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, हैं इस तरीके से एक हालो होता है, ठीक है, स्टील का एक हालो सिलेंडर होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, हैं
नीचे इसको कवर अप कर रखे होते हैं, ढके रहते हैं, और इसमें सैंड भरी होती है, ठीक है। फिर इसमें कॉम्पैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट, तो इसमें सुटेबल फॉर, ये भी सॉफ्ट इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए सुटेबल होता है। किसके लिए सुटेबल होता है? सॉफ्ट इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए जरूरी होता है। तो सैंड कॉम्पैक्शन या स्टोन कॉलम, स्टोन के कॉलम भी बना सकते हो। स्टोन के कॉलम इसलिए बना सकते हो क्योंकि स्टोन के कॉलम बनाने से क्या होता है कि जब स्टोन आप लगाओगे तो टू इंक्रीज परमिबिलिटी। देखिए स्टोन कॉलम लगाने से क्या होता है कि वाटर बहुत ही इजिली क्या हो जाता है, पास कर जाता है, और हमारा काम ही होता है कि पानी को कितनी जल्दी वहाँ से निकाल दे, क्योंकि पानी निकल जाएगा तो वहाँ पे सेटलमेंट आपका बहुत कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, अगर नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज केमिकल स्टेबलाइजेशन। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ पे आता है। तो केमिकल स्टेबलाइजेशन क्या होता है? केमिकल इज नथिंग बट कि अगर आप कोई केमिकल किसी सॉइल में मिक्स करते हो, दो केमिकल भी यूज़ कर सकते हो या एक केमिकल और सॉइल का कम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हो, उसको मिलाने के बाद में उसकी कुछ प्रॉपर्टी बदल जाती हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी बदलेंगे उनके बारे में हम लोग देखते हैं। केमिकल स्टेबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉइल विथ वन आर मोर कम्बिनेशन ऑफ एडमिक्सचर। एडमिक्सचर क्या है उनके बारे में अभी डील करेंगे। जैसे हमारा एडमिक्सचर क्या हो सकता है? सीमेंट हो सकता है, पोर्टलैंड सीमेंट हो सकता है, फ्लाई ऐश हो सकता है, बिटुमिन हो सकता है, ये सारे एडमिक्सचर्स होते हैं। एडमिक्सचर का मतलब ये होता है अलग से किसी मिक्सर को ऐड करना, दैट इज कॉल्ड एडमिक्सचर। आपने पढ़ा होगा, बिल्डिंग मटेरियल में भी पढ़ते हो जब वहाँ पे एडमिक्सचर यूज करते हो, ठीक है। तो कंक्रीट की वर्कबिलिटी बढ़ाने के लिए भी आप एडमिक्सचर यूज करते थे, तो दैट इज कॉल्ड एडमिक्सचर। फॉर इम्प्रूविंग एंड कंट्रोलिंग, इम्प्रूव करना और कंट्रोल करना। इम्प्रूव का मतलब ये होता है कि भाई पहले ज़्यादा सेटलमेंट हो रहा था, अब आपने कम कर दिया। कंट्रोलिंग, कंट्रोल का मतलब ये होता है रोक देना, ठीक है। कंट्रोलिंग वैल्यूम स्टेबिलिटी, वैल्यूम स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि उसके वैल्यूम में ज़्यादा चेंजेस ना है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा ना हो, दैट इज कॉल्ड वैल्यूम कंट्रोल स्टेबिलिटी। स्ट्रेंथ को क्या कर दो, बढ़ा दो, स्ट्रेंथ बढ़ जाए। परमेबिलिटी को यहाँ पे चेंज हो जाती है, तो ये सारी प्रॉपर्टी चेंज होती हैं, मतलब ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, वॉल्यूम में आपका एक्सपेंशन कम होगा, परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये सारे कारण होते हैं आपके सॉइल स्टेबलाइजेशन के, इसलिए इसका यूज करना पड़ता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आपके जो एडमिक्सचर हैं ये जो हैं, दैट इज एग्जाम्पल है किसका, एडमिक्सचर का। एडमिक्सचर दैट इज कॉल्ड एडमिक्सचर। एडमिक्सचर में जो आता है वो पोर्टलैंड सीमेंट आता है, दैट इज लाइम आता है, बिटुमिन आता है, फ्लाई ऐश आता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऐड की जाती है किसमें, दैट इज कॉल्ड एडमिक्सचर। तो पूछ लेगा एग्जाम में कि सीमेंट, लाइम, बिटुमिन, फ्लाई ऐश, इनका यूज का आप कहाँ पे करते हो। अब हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि ये तो बहुत टाइप के आपके पास हैं, सीमेंट भी है, लाइम भी है, बिटुमिन भी है, फ्लाई ऐश है, अब आपको किस सॉइल के लिए कौन सा एडमिक्सचर यूज करना है, दैट इज द क्वेश्चन आस्किंग इन द एग्जाम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही हो जाती है, तो हमको इसके बारे में आगे डिटेल में देखना है। तो सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले उठा के चलते हैं, दैट इज पोर्टलैंड सीमेंट से हम लोग चलते हैं कि अगर हम सीमेंट मिला दें किसी भी सॉइल में जो कि वीक है, जिसकी प्रॉपर्टी हमको बदलना है, तो हम लोग यूज करेंगे सीमेंट स्टेबलाइजेशन। अब सीमेंट स्टेबलाइजेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, इट इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ सॉइल। सीमेंट मतलब क्या करते हैं, सॉइल के अंदर हम सीमेंट को मिक्स करते हैं प्लस वाटर को मिक्स करते हैं, और दिस मिक्स टू हायर डेंसिटी, और कॉम्पैक्ट करते हैं। क्या किया, सबसे पहले सीमेंट लिया, कुछ प्रपोर्शन, देखिए क्या होता है, सॉइल होता है उसमें हम लोग अपने अकॉर्डिंग 4-5% के आसपास लगभग सीमेंट मिला देते हैं, जो भी वेट सॉइल का रहता है। फिर उसको अच्छे से थोड़ा बहुत पानी मिलाते हैं, उसके बाद उसको कॉम्पैक्ट करते हैं। कॉम्पैक्ट करने के बाद उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो हायर डेंसिटी हो जाती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको कॉम्पैक्ट भी करना पड़ता है, उसके बाद हायर डेंसिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक बात लिखी गई है, सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब किस सॉइल के सुटेबल नहीं होता है। तो ये ऑर्गेनिक सॉइल के लिए सुटेबल नहीं होता है, मतलब अगर आपके पास ऑर्गेनिक सॉइल है तो उसके लिए ये वाला मेथड आपका, ये वाला जो आप सीमेंट यूज कर रहे हो, ये सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्ट यहाँ पे लिखा गया है, दैट इज हाईली
दैट इज हाईली ऑर्गेनिक, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक मैटर अगर रहेगा, और पहली बात सीमेंट में भी कुछ कंपाउंड होते हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर और सीमेंट के कुछ कंपाउंड, सीमेंट में सबसे ज़्यादा लाइम होता है जिसके अंदर कैल्शियम होता है, वो क्या करेगा इन हाईली ऑर्गेनिक नेचर से क्या कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा। तो हाईली ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड जो सॉइल रहती है उसके साथ आपको सीमेंट नहीं मिलाना है। सबके लिए हो सकता है, ग्रेवल के लिए हो सकता है, सैंड के लिए हो सकता है, क्ले के लिए हो सकता है, सिल्ट के लिए हो सकता है, क्लेई सिल्ट हो सकता है, सिल्टी क्ले हो सकता है, सैंडी क्ले हो सकता है, सैंडी सिल्ट हो सकता है, सब सही है, लेकिन हाईली ऑर्गेनिक सॉइल के लिए सुटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ सल्फेट एंड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सॉइल वी कैन नॉट अडॉप्ट सीमेंट स्टेबलाइजेशन। तो मतलब कि ये कि अगर आपकी सॉइल में सल्फेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, सल्फेट का मतलब समझते होगे SO4 2 माइनस, दैट इज SO4 2 माइनस। अगर आपका SO4 2 माइनस ज़्यादा होगा तो इसका मतलब सल्फेट ज़्यादा है, और सल्फेट क्या होता है कि अगर आप सीमेंट देखोगे तो सीमेंट में कैल्शियम होता है, कैल्शियम क्या करता है सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेता है, और कैल्शियम और सल्फेट की जब रिएक्शन हो जाएगी तो आप देखोगे कि एक ऐसा कंपाउंड बनता है जिसके कारण सॉइल में वहाँ पे वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट बना लेगा जिससे कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो इसलिए ये सूटेबल नहीं होता है जिस सॉइल में सल्फेट हो और हाईली इन ऑर्गेनिक हो। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं उनके बारे में डील करते हैं। अब देखिए हम करते क्यों, यही तो जान लो। सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग क्यों करते हैं, स्टेबलाइजेशन इसलिए करते हैं ताकि हमारी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ उसकी चीज़ें बदल जाएं, तभी हम लोग स्टेबलाइजेशन करते हैं। अब स्टेबलाइज का मतलब होता है कि वो स्टेबल हो गया, अब स्टेबल कोई चीज़ कब होती है, जब उसकी अच्छी खासी चीज़ें जैसे उसकी रिड्यूस परमिबिलिटी रिड्यूस हो गई, इंक्रीज शियर स्ट्रेंथ, उसकी शियर स्ट्रेंथ बढ़ गई, शियर में वो फेल नहीं करेगी, उसके अलावा एंड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल का मतलब बेंडिंग स्ट्रेस भी इसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, ये बेंड फिर आसानी से नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं डिसएडवांटेजेस, एज सीमेंट हाइड्रेट, जो सीमेंट हाइड्रेट का मतलब होता है हाइड्रेशन रिएक्शन, जैसे सीमेंट में आपने पढ़ा था कि वहाँ पे कैल्शियम सिलिकेट्स के सारे कंपाउंड होते हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद सिलिका जेल बनाते हैं, वैसे ही कुछ सीमेंट हाइड्रेट वॉल्यूम चेंजेस टेक्स प्लेस, श्रिंकेज, क्रैक्स आर फॉर्म, मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड बन जाते हैं, इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कुछ ऐसे कंपाउंड बनते हैं जिसकी वजह से सॉइल में वहाँ पे बहुत ज़्यादा श्रिंकेज आ जाता है और क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। जब किसी भी सॉइल में श्रिंकेज और क्रैक डेवलप हो जाते हैं तो उसकी परमेबिलिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और दूसरी बात कि उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ द सीमेंट स्टेबलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज़ अ ग्रेनुलर सॉइल। ग्रेनुलर का मतलब क्या होता है, जो कि कोर्स ग्रेन सॉइल होती है, जनरली सैंड और हम ग्रेवल की बात करते हैं, इसमें क्लेई के बारे में और सिल्ट के बारे में बात नहीं करते हैं। अब फ्रेंड्स, सीमेंटेशन प्रोडक्ट्स लाइक कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, कैल्शियम एल्युमिनो हाइड्रेट, मतलब कुछ ऐसे जैसे आपने पढ़ा था, जैसे हम लोग इसको एक नाम देते हैं, CSH, इसको बोलते थे कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, ये आपको मिलेगा देखने को जब सीमेंट में डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जब यूज़ करते थे हम लोग सीमेंट में वाटर के साथ, तो ये CSH ये एक सिलिका जेल बनता है जो कि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो ये बॉक्स कंपाउंड बनते थे वहाँ पे, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम, ऐसे करके कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, एको बेलाइट, एलाइट, सीलाइट करके बोलते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। तो ये आपको क्या करना है, सिलिकेट हाइड्रेट्स कैल्शियम एल्युमिनेट हाइड्रेट्स आर फॉर्म प्रोवाइडिंग बॉन्ड बिटवीन ग्रेनुलर पार्टिकल, तो ये क्या करते हैं, ऐसा कंपाउंड बनाते हैं ताकि जो कोर्स ग्रेन पार्टिकल के बीच में जो बॉन्डिंग नहीं थी वो ये आप आपस में क्या करा देते हैं, बॉन्डिंग इसलिए होती है क्योंकि भैया जो कंपाउंड बनता है उसमें पहली बात तो कैल्शियम रहता है, और कैल्शियम क्या होता है, सॉफ्ट होता है, उसमें प्लास्टिसिटी होती है, तो जिसकी वजह से ये आपस में क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। तो ये ऑल अबाउट आपका था ग्रेनुलर सॉइल के बारे में। आगे हम डील करेंगे फाइन ग्रेन सॉइल के बारे में कि फाइन ग्रेन सॉइल में हम कैसे चीज़ों को बदल सकते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक हमने किसके बारे में देखा, कोर्स ग्रेन के बारे में, अब हम लोग देखेंगे फाइन ग्रेन के बारे में। ये चैप्टर एक्चुअली 13 नंबर चैप्टर था, लेकिन हमने इसको यहाँ पे इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ये सब थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, और इसको अगर हम इसी के साथ डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ गया, क्योंकि हम अभी कॉम्पैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, और कॉम्पैक्शन में आपने देखा कि वहाँ पे जो भी चीज़ें थी, हमको क्या क्या प्रॉपर्टी बदलती हैं, वो सब हम पहले से देख रखा है, तो हमारे लिए थोड़ा सा ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे अब फाइन ग्रेन सॉइल के बारे में कि फाइन ग्रेन सॉइल में कैसे चीजें बदलती हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमको देखना है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइन ग्रेन सॉइल के बारे में, चीजें कैसे चेंज होती हैं उसके बारे में डील करना है। तो कॉम्पैक्शन को अच्छे से हमने पढ़ा, उसके क्वेश्चंस भी हमने करे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये लास्ट इसका थ्योरेटिकल ज़्यादातर टॉपिक है, ये पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद में हम लोग आपका अगला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा क्या कहते हैं आपका कि दैट इज़ रिलेटेड विथ परमेबिलिटी। परमेबिलिटी पढ़ेंगे, परमेबिलिटी में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस भी आता है इसी में है कि कैसे सॉइल के वेट के कारण स्ट्रेसेस आती हैं, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस का टॉपिक पढ़ेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला अगला टॉपिक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं, प्रीलिम्स में भी आते हैं, तो उसको भी हमको डील करना है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे फाइन ग्रेन सॉइल के बारे में डील करने वाले हैं, किसके बारे में, फाइन ग्रेन सॉइल के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइन ग्रेन सॉइल दैट इज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हमारे फील्ड पे कोई भी सॉइल हो सकती है, कोर्स ग्रेन भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि वहाँ पे कैसा आपका कहाँ पे कौन सी सॉइल पाई जाती है। तो नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ फाइन ग्रेन सॉइल, उसके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है। दैट इज़ फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल के बारे में हमको क्या करना है, डील करना है, ठीक है। तो फ्री लाइम जो भी हमारा होता है, लाइम का यूज़ करते हैं, फ्री लाइम प्लस क्ले मिनरल। फाइन ग्रेन में जैसे मान ले कोई सॉइल आपकी कैसे है, मान ले आपके पास सॉइल है और क्ले ही है, और क्ले होगी तो उसमें जाहिर सी बात है क्ले मिनरल जरूर पाया जाएगा। तो क्ले मिनरल ठीक है, और ये पार्टिकल क्या करते हैं, आपस में एंग्लोमरेट का मतलब होता है बड़ा साइज बनना, इनटू लार्जर एंग्लोमरेट्स इनटू लार्जर, मतलब क्या होता है आपस में जुड़ते जाते हैं, लार्जर साइज पार्टिकल इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू इंक्रीज सियर स्ट्रेंथ ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपको फाइन ग्रेन सॉइल दी गई है तो फाइन ग्रेन सॉइल में हम लोग क्या मिलाते हैं, जैसे हम लोग स्टेबलाइज कर रहे हैं इसको, मान लिया सीमेंट सही कर रहे हैं, तो सीमेंट के अंदर आप देखोगे कि लाइम प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब ये लाइम को जब प्रेजेंट रहता है, और आपको पता है कि जो क्ले होता है उसमें क्ले मिनरल होते हैं, अब ये क्ले मिनरल क्या करते हैं, क्ले मिनरल जैसे कायोनाइट हो सकता है, इसके अलावा इलाइट हो सकता है, या मोंट मोरिलो नाइट हो सकता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, उसके साथ रिएक्ट करते हैं, और एक एंग्लोमरेट का मतलब होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एंग्लोमरेट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, एंग्लोमरेट का मतलब होता है इकट्ठा होना, एक साथ जुड़ना, क्लियर। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, जिसके क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल, सपोज दैट कि ये छोटे छोटे पार्टिकल थे ऐसे करके बाहर इस तरीके से थे, और जैसे इसमें लाइम आपने ऐड किया, प्लस लाइम आपने ऐड कर दिया, लाइम ऐड करोगे तो क्या होगा, ये क्ले के पार्टिकल हैं, लाइम आपने ऐड किया तो ये आपस में बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से आपस में क्लोजनेस थोड़ा सा आ जाता, तो एक बड़ा पार्टिकल आपका बन जाएगा। तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। स्ट्रेंथ इज इंक्रीज, ये है क्ले, है क्ले मिनरल हो सकते हैं इसमें, इस वजह से आप इसको बोल पाओगे। तो ये प्रोसेस होता है जिसके कि हमारे कारण स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज लाइम स्टेबलाइजेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइम स्टेबलाइजेशन, इसके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, लाइम स्टेबलाइजेशन, इसका मतलब यह हुआ कि अब हम लोग इसमें लाइम को पुटअप करेंगे, लाइम को सॉइल के साथ मिलाएंगे, अब ये देखेंगे कि लाइम कौन सी सॉइल के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, लाइम स्टेबलाइजेशन इज यूज फॉर, या ऐसा कर सकते हो दैट इज
दैट इज, या ऐसा कह सकते हो लाइम स्टेबलाइजेशन, लाइम स्टेबलाइजेशन इज सुटेबल फॉर, ये जो लाइम स्टेबलाइजेशन होता है सुटेबल फॉर कोहेसिव सॉइल, सुटेबल फॉर कोहेसिव, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है, कोहेसिव सॉइल लाइक क्ले, किसके लिए सुटेबल होता है, क्ले के लिए सुटेबल होता है, ठीक है, लाइक क्ले सॉइल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दो बार आईएएस में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि किस सॉइल के लिए आपका लाइम सुटेबल होता है, तो आप ध्यान रखिएगा दिस इज सुटेबल फॉर कोहेसिव सॉइल लाइक क्ले सॉइल, ठीक है। इससे फर्क क्या पड़ता है, प्रॉपर्टी, इम्पैक्ट ऑन प्रॉपर्टी, इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टी, अगला है इफेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज पे क्या चेंज आता है उसको देखते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज पे क्या चेंज आएगा, जब हमने लाइम को ऐड किया, अब आप एक बात और जान लीजिए, जो आपका क्ले पार्टिकल होता है वो क्ले पार्टिकल और जो एक सीमेंट पार्ट सॉरी जो आपका लाइम का पार्टिकल होता है दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। जो लाइम का पार्टिकल होता है उसका साइज थोड़ा सा क्या होता है हमारा बड़ा होता है, ठीक है, और क्ले का पार्टिकल थोड़ा फाइनर होता है। अब जिसका पार्टिकल फाइनर होगा उसका सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे इफेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे श्रिंकेज लिमिट, मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है श्रिंकेज लिमिट, ठीक है, श्रिंकेज लिमिट, उसके बाद में दैट इज लिक्विड लिमिट, फिर है प्लास्टिक लिमिट, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया प्लास्टिक लिमिट, उसके बाद में आता है दैट इज प्लास्टिक सिटी इंडेक्स, ठीक है, दैट इज प्लास्टिक सिटी इंडेक्स, और उसके बाद में दैट इज, इसको मैं अगर लिखूं दैट इज WS, इसको मैं लिखूं WL, इसको मैं लिखूं WP, और इसको मैं अगर लिखूं तो दैट इज IP, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको बात किया। आप सबसे बड़ा रीजन ये है कि कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होंगी कौन सी प्रॉपर्टी नहीं चेंज होगी उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जो है इंक्रीज जो श्रिंकेज लिमिट होती है, श्रिंकेज लिमिट क्या होता था उसको थोड़ा सा आपको बताते हैं, बेसिक फंडा देखते हैं, दिस इज द डायग्राम, वाटर कंटेंट और यहाँ पे वैल्यूम आता था, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से था जो मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है, दिस इज द WS, दिस इज द WP और दिस इज द WL, ये पॉइंट होता था श्रिंकेज लिमिट का, दैट इज कॉल्ड श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो श्रिंकेज लिमिट होती है वो इंक्रीज आपकी हो जाती है। दूसरा है लिक्विड लिमिट डिक्रीज, क्या हो जाता है डिक्रीज, लिक्विड लिमिट डिक्रीज इसलिए हो जाता है कि पहले जो क्ले था वो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी पहले ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही आपने लाइम मिला दिया उसको स्टेबलाइज कर दिया, क्योंकि लाइम का पार्टिकल थोड़ा बड़ा होता है और क्ले का पार्टिकल छोटा था, जब अकेले क्ले थी तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा था, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा थी, इसका मतलब कि उसकी लिक्विड लिमिट उस समय बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जैसे ही आपने उसके अंदर क्या किया, आपने मिला दिया लाइम का पार्टिकल थोड़ा बड़ा रहता है, अब लाइम आपने जैसे ही मिलाया तो उससे क्या होगा कि आप देखोगे कुछ छोटे पार्टिकल क्ले के होंगे, कुछ बड़े पार्टिकल लाइम के होंगे, जिससे क्या होगा कि उसका सरफेस एरिया थोड़ा कम हो जाएगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम हो जाएगा, जो कि क्ले के केस में बहुत ज़्यादा था। जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो उतना मॉइस्चर नहीं होल्ड करेगा जितना कि क्ले के केस में वो होल्ड कर रहा था, तो इसलिए जब मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी, तो उसकी लिक्विड लिमिट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी डिक्रीज, क्योंकि अब वो लिक्विड लिमिट में पहले यहाँ पे होल्ड कर रहा था मॉइस्चर, लेकिन अब वो थोड़ा सा पीछे इस वाले रीजन में आपका आ जाएगा, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये फर्क आपका पड़ जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, अगर आप समझ जाओगे तो चीज़ें कर ले जाओगे। उसके बाद प्लास्टिक सिटी क्या फर्क पड़ता है, देखिए प्लास्टिक सिटी का जो वाटर कंटेंट होता है वो इसके बीच में लाई करता है, ठीक है,
ये जो क्षेत्र रहता है वो प्लास्टिक सिटी का होता है। अब ये प्लास्टिक सिटी का जो क्षेत्र है, जब आप देखोगे कि लिक्विड की लिमिट कम हो जाएगी तो मॉइस्चर थोड़ा इधर टेंड करेगा, मतलब कि जो लिमिट है वो अब इस साइड में ज़्यादा आ जाएगी। जब इसके बीच में लाई करेगी, इसका मतलब ये हुआ कि प्लास्टिक सिटी जो लिमिट, प्लास्टिक लिमिट है वो इंक्रीज कर जाएगी। दिस इज द इंक्रीज, दिस इज द डिक्रीज, और ये फर्दर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्योंकि अब आप देखोगे जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा था, देखोगे अगर मॉइस्चर ज़्यादा था, अब वो मॉइस्चर क्या हो जाएगी, थोड़ा कम। तो आप उसको प्रॉपर शेप में मोल्ड कर सकते हो, जिस शेप में बनाना चाहते होगे उस शेप में वो शेप आपका बन जाएगा। तो आप देखोगे कि प्लास्टिक जो लिमिट होती है उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, क्योंकि हम अब इस रीजन में आ गए, पहले यहाँ चल रहे थे, अब इस रीजन में आ गए। उसके बाद में बात करते हैं प्लास्टिक सिटी इंडेक्स। तो प्लास्टिक सिटी इंडेक्स होता क्या है, दैट इज WLIP इज इक्वल टू WL माइनस WP। ठीक, अब आप ये बताइए कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें चेंज हो रही हैं, कौन सी चीज़ें बदल नहीं रही हैं। अब आप देखिए लिक्विड लिमिट क्या हो रही है आपकी, दैट इज लिक्विड लिमिट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, दैट इज डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक, और ये चीज़ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, डिक्रीज, क्योंकि ये भैया पहले से कम हो रहा है और ये और बढ़ता जा रहा है और बीच में माइनस भी लगा हुआ है। तो आप देखोगे कि ये ऑल ओवर चीज़ें क्या हो जाएंगी, दैट इज डिक्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को लिख सकते हो, समझ गए। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इस चीज़ को आसानी से कर सकते हो। श्रिंकेज लिमिट कैसे इंक्रीज कर गए, इसको थोड़ा देखते हैं। देखिए श्रिंकेज क्या मतलब क्या होता है, कि हम इस रीजन में लाई कर रहे हैं कि किस रीजन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। श्रिंकेज लिमिट क्यों बढ़ गई, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो रटना नहीं है, मेरे साथ समझोगे तो चीज़ें मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा डीप में, जो आपको बुक में भी ढूंढने नहीं मिलेगा। ठीक है, कैसे, देखिए आपके पास जब मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो आप इस साइड में जाओगे, जब मॉइस्चर कम होगा तो आप इस क्षेत्र में ज़्यादा लाई करोगे, मतलब पीछे की साइड में ज़्यादा आओगे। ठीक, अब श्रिंकेज लिमिट होती क्या है, श्रिंकेज लिमिट का मतलब ये होता है कि एक ऐसी लिमिट जहाँ पे फर्दर आप मॉइस्चर रिड्यूस करोगे तो उसका वैल्यूम क्या रहता है, सॉइल का कांस्टेंट रहता है या नो चेंज इन वैल्यूम होता है। तो आप देखोगे कि जब हमने लाइम को वहाँ पे ऐड किया, अब सॉइल के वैल्यूम में उतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, मतलब धीरे धीरे वो कांस्टेंट होने लग जाएगा। इसका मतलब हम इस क्षेत्र में पहुँच गए हैं, इसका मतलब हम अपनी श्रिंकेज की सीमा में पहुँच गए हैं, और यहाँ पर श्रिंकेज लिमिट क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। श्रिंकेज लिमिट आप अगर जितना आगे मॉइस्चर बढ़ाते जाओगे, इसका मतलब हो जाता है श्रिंकेज क्या होने लगता है, लिमिट डिक्रीज। तो लिमिट में ध्यान रखिएगा इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि IAS ने इस पे 2-3 बार क्वेश्चन पूछ रखा है, IAS गेट में इससे रिलेटेड 2-3 बार क्वेश्चन आया है। अगर आप इसको क्लियर कर ले जाओगे फिर चीज़ें गलत नहीं होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट था जिसको हमने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जिससे हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो कुछ और इसके बारे में डील करते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है, कुछ और प्रॉपर्टी हैं जिनको हम लोग यहाँ पे डील करते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से रिलेटेड है कि कौन कौन सी और प्रॉपर्टी बदल सकती हैं, परमेबिलिटी, सब पैरामीटर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं इसके और भी प्रॉपर्टी कुछ चेंज हो सकते हैं जिनके बारे में यहाँ पे हम लोग डील करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसी की प्रॉपर्टी। देखिए ये क्वेश्चन ईएस में इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट, सिविल सर्विसेज, हर जगह पूछा गया है। ये जो मैंने अभी बताया लिक्विड लिमिट इंक्रीज डिक्रीज का, आप अच्छे से समझ जाओगे फिर चीज़ें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं और क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो भी मैंने बताया इसको एकदम 100% समझ लेना है, अच्छे से रटना नहीं है। क्यों हुआ, मैंने रीज़न भी आपको बता दिया, जब आपके दिमाग में रीज़न आ जाएगा ना तो फिर चीज़ें आपकी कभी गलत नहीं होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से सॉइल को पढ़ना है, प्रैक्टिकली ज़्यादा रटना वटना नहीं है, बस समझना है चीज़ों को। अगर आप समझ जाओगे तो फिर चीज़ें कर ले जाओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग डील करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और प्रॉपर जो पॉइंट्स हैं इसी से रिलेटेड मैं बात करूँगा। मान लेते हैं सेकेंड नंबर पॉइंट, इट मेक्स क्ले सॉइल फ्रीएबल का मतलब होता है थोड़ा हार्ड होना। ठीक है, फ्रीएबल, रिड्यूसेस स्वेलिंग, इससे क्या हो जाएगा, रिड्यूसेस, इससे क्या क्या फर्क पड़ेगा, रिड्यूसेस
स्वेलिंग, स्वेलिंग अब कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि आपने क्या किया उसमें, क्या मिला दिया, लाइम। डिक्रीज ओएमसी, डिक्रीज ओएमसी, ओएमसी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी अभी बताते हैं, डेंसिटी जब बढ़ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड पॉइंट, इट हैज लिटिल इंपैक्ट, इट हैज लिटिल इंपैक्ट, लिटिल इंपैक्ट ऑन हाईली, लिटिल इंपैक्ट ऑन हाईली ऑर्गेनिक सॉइल। मतलब कि लाइम स्टेबलाइजेशन जो है हाईली इनऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक सॉइल है, आर सॉइल विथ, आर सॉइल विथ, आर सॉइल विथ, आर सॉइल विथ लिटिल आर, लिटिल आर, लिटिल, लिटिल आर, दैट इज लिटिल आर, लो क्ले कंटेंट। ठीक है, लो क्ले कंटेंट, मतलब ये जो मेथड है आपका ये सूटेबल होगा किसके लिए, जिसमें हाईली क्ले हो उसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हाईली ऑर्गेनिक नेचर है या सॉइल में जो भी आपका लो क्ले कंटेंट है तो आप उसमें यूज लाइम को नहीं कर पाओगे, क्योंकि लाइम का जो होता है बॉन्डिंग सबसे अच्छा क्ले के साथ ज़्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि क्ले में क्या होता है, कोहेशन होता है, इसलिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ, दैट इज जनरली, मतलब जनरली का मतलब प्रायः कितना लेते हैं, जनरली 5 to 10%, 5 to 10%, ये भी इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, 5 to 10% ऑफ लाइम, ऑफ लाइम इज यूज्ड, लाइम इज यूज्ड फॉर प्लास्टिक सॉइल, फॉर प्लास्टिक सॉइल, मतलब प्लास्टिक सॉइल का मतलब समझ में आया, क्लेई सॉइल के लिए लगभग, कि मान लिया 100 kg आपके पास, मान लिया क्या है आपके पास, क्लेई सॉइल है और उसको स्टेबलाइज करना है, इसका मतलब है 5 to 10%, मतलब आप 7 kg, 8 kg आप क्या करना पड़ेगा उसमें लाइम आपको मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर बात करें, दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक कॉटन सॉइल आर स्टेबलाइज यूजिंग, ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल्स आर स्टेबलाइज्ड, स्टेबलाइज्ड यूजिंग, यूजिंग लाइम। ठीक है, मतलब कि अगर कोई ब्लैक कॉटन सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल जाहिर सी बात है वो क्लेई नेचर रहती है, उसका स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होता है, उसका श्रिंकेज बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, लाइम यूज करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ लेगा कि ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए कौन सा स्टेबलाइजर यूज करोगे, तो स्टेबलाइज यूजिंग विथ लाइम स्टेबलाइजर। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद में ये इसके जो पॉइंट है, इट इम्प्रूव्स, क्या क्या प्रॉपर्टी चेंज हो जाते हैं, इट इम्प्रूव्स, दैट इज इट इम्प्रूव्स स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, स्टिफनेस तो आप जानते होंगे, सोम में पढ़ा होगा, स्टिफनेस क्या पढ़ा था, फ्लेक्सुरल स्टिफनेस होती है EI/L। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस, रिड्यूस स्वेलिंग, स्वेलिंग एंड एंड श्रिंकेज पोटेंशियल। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या कर देते हैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल एंड रिड्यूस द परमेबिलिटी एंड आल्सो रिड्यूस परमेबिलिटी। कंपैक्ट करना पड़ता है, ऐसा थोड़ी करना पड़ता है कि मिला दिया छोड़ दिया, उसको कंपैक्ट करना पड़ता है, परमेबिलिटी। ठीक है, अब ये मैंने एक पॉइंट लिखाया था वहाँ पे कि आपका लो के क्ले कंटेंट डिक्रीज ओएमसी, डिक्रीज ओएमसी का मतलब ये हुआ कि अगर आप ग्राफिकली देखेंगे, सपोज दैट दिस इज द ग्राफ, तो आप क्या देखोगे, जब आप उसमें मिला दोगे क्या कहते हैं लाइम, तो लाइम में पहली बात मैंने बताया था कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि उसका सर्फेस एरिया कम हो जाता है लाइम मिलाने से, तो आप देखोगे कि जो मॉइस्चर हो अब यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका ओएमसी क्या हो जाता है, कम। सपोज दैट दिस इज द 2 और दिस इज द पहले था ओएमसी 1, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ओएमसी वन इज ग्रेटर देन OMC 2, इस तरीके से आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा रिलेटेड विद द
लाइम ट्रीटमेंट इज नॉट सुटेबल, नोट पॉइंट करके मैं लिख रहा हूं, दैट इज लाइम ट्रीटमेंट इज नॉट सुटेबल लाइम ट्रीटमेंट इज नॉट सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, सैंडी सॉइल, याद रखिएगा, सैंडी सॉइल के लिए सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। एक्सेप्ट वेन इट इज़ एडेड, बहुत ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, इट इज़ एडेड इन कॉम्बिनेशन विथ क्ले, फ्लाई ऐश आप जानते होंगे, जो भी आपके जितने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन होते हैं जिससे कोयले से बिजली बनती है, तो कोयले से जो राख निकलती है, ऐश निकलती है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लाई ऐश, ठीक है। फ्लाई ऐश और अदर पोजालोनिक मटेरियल, आपने बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ा होगा, पोजालोनिक मटेरियल जब हम किसी भी मतलब कहीं पे भी मिला देते हैं, सीमेंट में भी पोजालोनिक मिलाते थे, तो वहाँ पे भी जो पोजालोनिक मटेरियल होता है ये आपका सीमेंट में जब मिलाते हैं तो वहाँ पे भी क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे मान ले केमिकल रेजिस्टेंस आपको चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे आप सॉइल के अंदर बना रहे हो, जहाँ पे सल्फेट ज़्यादा है या जहाँ पे कोरोजन के चांसेस हैं, या आप मरीन स्ट्रक्चर कोई बना रहे हो, समुद्र के अंदर कोई फाउंडेशन बिल्डिंग बना रहे हो, तो वहाँ पे पोजालोनिक वाली जो सीमेंट होगी उसका आप यूज करोगे, क्योंकि इस सॉइल में हीट का भी लॉस कम होता है, प्लस श्रिंकेज भी कम होता है, दूसरी बात केमिकल से लड़ने की क्षमता पोजालोनिक मटेरियल में ज़्यादा होती है। गांव में भी देखा होगा कि जो राखी निकलती है, चूल्हे से निकलती है, वहाँ से जो राख वगैरह निकलती है उसका भी लोग यूज़ करते थे खेती में, ठीक है। मान लिया कि आलू की खेती कर रहे हैं तो वहाँ पे उनकी पत्तियों के ऊपर क्या करते थे, राखी डालते थे, क्योंकि जो राख होती है वो केमिकल के खिलाफ या कीटनाशक जो भी काम करते हैं बाहरी एक्सटर्नल एजेंट उनको रिड्यूस करती है। तो गांव में भी आपने देखा होगा कहीं कहीं मान लिया पानी ज़्यादा गिर जाता है तो हम लोग राख डाल देते हैं, क्यों, क्योंकि वो राख क्या करती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। सेम कहानी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी जो हम लोग फ्लाई ऐश यूज करेंगे ये भी क्या करता है, मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो फ्लाई ऐश के बारे में आप लोग जितना इंफॉर्मेशन और मिल जाए आप उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फ्लाई ऐश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्लाई ऐश नथिंग बट ये एक प्रकार की राख होती है जो कि किसी भी कोयले को जलाने के बाद में उससे जो निकली राख होती है उसको लोग स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद उसको ब्रिक बनाते हैं, लेकिन ये टॉक्सिक इन नेचर होती है, मतलब ये जहरीली होती है फ्लाई ऐश, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत सारे हजार्डस या कह सकते हो केमिकल रहते हैं, जैसे सिलिकेट है, लेड है, बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। तो फ्लाई ऐश के बारे में जा करके आप आज ही जब आप लेक्चर पढ़ें तो फ्लाई ऐश और पोजालोना मटेरियल ये सब के बारे में बिल्डिंग मटेरियल में जा करके उसको प्लीज़ रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द SSC JEE एग्जाम, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपको कोई भी टर्म यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल का मिल जाता है तो आप जाकर के उसको प्लीज़ रिवाइज करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे जो हमारा इससे रिलेटेड है, कुछ और बातें करेंगे, उसके पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इसको रफ करते हैं, फिर आगे चीज़ें आपकी स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी मैकेनिज्म इसमें होती है उसके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं, मतलब इसके अंदर डिटेल में थोड़ा जाते हैं कि कौन सा प्रोसेस इसके अंतर्गत होता है जिसके थ्रू आपका ये प्रोसेस कितना स्ट्रेंथ इसको मिल गया उसके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है, ठीक है। अगला ये प्रोसेस है कि मैकेनिज्म, कौन सी ऐसी मैकेनिज्म होती है ड्यूरिंग सॉइल स्टेबलाइजेशन यूजिंग लाइम, उसके बारे में थोड़ा सा हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो कि पूछे गए हैं, पहले इस टॉपिक को कवर अप करते हैं उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन कौन सी इसमें मैकेनिज्म फॉर्म होती है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमने क्ले मिनरोलॉजी पहले ही क्लियर कर रखा है, तो ये सब बातें क्ले मिनरोलॉजी से ही रिलेट करेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ये टॉपिक है आपका दैट इज वेरियस मैकेनिज्म
मैकेनिज्म, ड्यूरिंग ड्यूरिंग वेरियस मैकेनिज्म ड्यूरिंग लाइम लाइम ट्रीटमेंट। लाइम ट्रीटमेंट करते समय कौन कौन सी मैकेनिज्म होती है उसके बारे में देखते हैं। पहला होता है दैट इज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैटायन एक्सचेंज, दैट इज बात करते हैं यहाँ पे रिलेटेड विथ कैटायन एक्सचेंज। ठीक है, कैटायन एक्सचेंज होता है, इसमें क्या होता है कि जो कैल्शियम 2 प्लस होता है जो लाइम के अंदर प्रेजेंट रहता है वो रिप्लेस करता है रिप्लेसिंग Na प्लस, जैसे मान लिया क्ले है आपके पास रिप्लेसिंग Na प्लस। अब देखो क्या होता है कि आपके पास एक क्ले है, मान लेते हैं इसको डायग्राम से समझते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो IP होता है वो क्या कर जाता है रिड्यूस कर जाता है। सपोज दैट कि आपके पास मान लिया दिस इज द पार्टिकल्स और इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे मान लिया क्ले है, क्ले के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, ये क्ले है मान लिया इसमें क्ले मिनरल होगा और इस क्ले मिनरल में अगर आप देखोगे तो क्ले मिनरल में क्या क्या पाया जाता है, सोडियम कंपाउंड भी रहते हैं, उसके अलावा एल्युमिनियम भी रहते हैं, बहुत सारे कंपाउंड रहते हैं, मैग्नीशियम भी रहता है, ये सारे कंपाउंड आपके रहते हैं। और आपने क्या किया इसमें लाइम मिला दिया, क्या मिला दिया लाइम मिला दिया, और लाइम में आपको पता है क्या होता है कैल्शियम 2 प्लस होता है। ठीक है, ये रिप्लेस करके क्या करता है कि जहाँ पे आपका ये मान लिया कि इसके बीच में आप देखोगे सपोज दैट कि यहाँ पे Na प्लस होता है तो बीच में जा करके रिप्लेस कर देता है, रिप्लेस करने के बाद में यहाँ पे बीच में जा करके Ca2 प्लस मैं बना रहा हूँ, इस तरीके से चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि चीज़ें क्या हो गई बदल गई। ठीक है, तो जिसमें आपने क्या किया वहाँ पे सोडियम था, एक्चुअली सोडियम की वजह से उसमें क्या कहते हैं लिक्विड लिमिट ज़्यादा आती है, इसलिए सोडियम को रिप्लेस कर दिया और जा करके कैल्शियम वहाँ पे बीच में बैठ गया। इससे क्या होता है कि उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है, सारी चीज़ें लिक्विड लिमिट घट जाती है, श्रिंकेज लिमिट बढ़ जाती है, IP घट जाता है, सारी प्रॉपर्टी वही होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें एक और मैकेनिज्म होती है दैट इज पोजालोनिक, दैट इज पोजालोनिक रिएक्शन। ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पोजालोनिक रिएक्शन का मतलब ये होता है जैसे आपने सीमेंट में पढ़ा होगा दैट इज Ca2 प्लस प्लस सिलिका और एलमुना के जो कंपाउंड रहते हैं। मान लिया देखिए आपके पास क्या है कि जो क्ले है, क्ले में जाहिर सी बात है भाई मिट्टी का पार्ट है तो सिलिका एल्युमिनियम तो रहना ही रहना है। तो जब सिलिका एल्युमिनियम रहना क्यों, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से क्ले मिनरल पढ़ाया था और क्ले मिनरल में आपको बताया था कि अगर कोई क्ले सॉइल रहती है तो उसमें या तो ऑक्टाहेड्रल यूनिट होगी या टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल होगी तो सिलिका होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा तो एल्युमिनियम होगा। तो ये जब प्रेजेंट रहेगा तो इससे एक ऐसा कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड बनता है, जैसे मान लिया सिलिका, जैसे सिलिका CSH जेल बनता था वो कंपाउंड बन सकता है सीमेंट की तरह, और उसके अलावा मान लेते हैं CaSiO3। ठीक है, दैट इज स्टेबल कंपाउंड, इसे बोलते हैं स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, एक स्टेबल कंपाउंड होता है, स्टेबल का मतलब इसकी स्वेलिंग श्रिंकेज क्या हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं थर्ड नंबर दैट इज बिटुमिनस। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिटुमिनस स्टेबलाइजेशन। ठीक है, अब हम लोग करते हैं बिटुमिनस को मिलाते हैं और ये किस सॉइल के लिए सूटेबल होगा। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, सीमेंट को पढ़ा, सीमेंट सबके लिए सूटेबल होता है लेकिन ऑर्गेनिक सॉइल के लिए सूटेबल नहीं होता है। फिर मैंने लाइम पढ़ा, लाइम हर सॉइल के लिए सूटेबल नहीं, बस सिर्फ क्लेई सॉइल के लिए या सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल के लिए सूटेबल होता है, सैंड के लिए नहीं। हाँ, सैंड के लिए सूटेबल हो सकता है लेकिन सैंड और क्ले का मिक्सचर होगा तब सूटेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सूटेबल, बस इतने पता होना चाहिए कि सूटेबल फॉर नॉन कोहेसिव सॉइल, मतलब कि ये अब कोहेसिव सॉइल के लिए बिटुमिन सूटेबल नहीं होता है। ठीक है, कॉमा सूटेबल फॉर नॉन कोहेसिव सॉइल लाइक, जैसे ग्रेनुलर सॉइल। ठीक है, ग्रेवल एंड सैंड उसके लिए सूटेबल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहली बात जो बिटुमिन होता है
वो पहली बात तो क्ले के साथ वो चिपकता नहीं है, ठीक है। जब बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती कभी भी बिटुमिन को अगर आप क्ले के साथ लोगे, आपस में क्या होता है इनमें रिपल्सन आ जाता है। क्ले का जो पार्टिकल होता है उस पर जो चार्ज होता है और जो बिटुमिन पे चार्ज होता है आपस में रिपल्सिव फोर्स होता है, तो इस रिपल्सन के कारण आपस में बॉन्डिंग बन ही नहीं पाती है। जब बॉन्डिंग नहीं बन पाती है इसलिए बिटुमिन में ये क्ले सॉइल या कोहेसिव सॉइल के लिए सुटेबल नहीं होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो आपका ग्रेनुलर सॉइल है, सैंड है, ग्रेवल है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहली बात जो ये जो ग्रेनुलर सॉइल है इसमें रफनेस ज़्यादा रहती है, रफनेस ज़्यादा रहती है और बिटुमिन सॉफ्ट होता है। तो क्या होता है कि एक में कोहेसन एक में एडहेसन तब बॉन्डिंग अच्छी बनती है, अगर दोनों में कोहेसन होगा तो इतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं बन पाता है। इसीलिए रोड में जब बिटुमिन का यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा जो ज़्यादातर जैसे बिटुमिन किसके साथ चिपकता है, जो भी आपकी बजड़ी होती है, गिट्टी जिसको आप बोलते हो, ग्रेवल बोलते हो, जो रोड पे बिछाया जाता है, बिटुमिन आपने देखा होगा काफ़ी आसानी से उसके साथ चिपक जाता है। तो आप जान सकते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो रोड में आपने कौन सा कोर्स ग्रेन ज़्यादा यूज़ करते हो, तो कोर्स ग्रेन के लिए बिटुमिन सुटेबल होता है क्योंकि हम लोग उससे रोड भी बनाते हैं। अगर ऐसा ना होता तो हम लोग क्ले की रोड बनाते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि दिस इज़ सुटेबल फॉर ग्रेनुलर सॉइल और ग्रेवल एंड सैंड, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं और चीज़ें क्या हो सकती हैं। क्ले एट लो मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, हाई बेयरिंग कैपेसिटी, यहाँ पे एक और पॉइंट है, दैट इज इसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। इट एक्ट्स एज बाइंडिंग एजेंट, बाइंडिंग का मतलब बंधन होता है, बाइंडिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करेगा, बाइंडिंग एजेंट एंड एंड वाटर रिपल्सिंग एजेंट, वाटर रिपल्सिंग मतलब वाटर से इसकी दुश्मनी हो जाती है, वाटर रिपल्सिंग एजेंट मतलब अगर आपने बिटुमिन मिला दिया तो आपस में दुश्मनी होती है किसकी, बिटुमिन एंड वाटर की। अगर ये क्या करता है कि मतलब अगर आप पानी डालोगे तो इतनी जल्दी बिटुमिन को उस पर रिएक्शन नहीं हो पाता है, तो ये रिपल्ट मतलब जैसे ही आपने बिटुमिन को इस किसी सॉइल के साथ मिला दोगे तो ये क्या करेगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो केमिकल कंपाउंड बनेगा, उससे क्या होगा कि वाटर वहाँ पे रिपल्सिंग की तरह काम करेगा, जो भी वाटर बाहर से आएगा उसको ये रोक देगा, ठीक है, ये मतलब होता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कभी गांव में बाल्टी वाल्टी टूट जाती थी या कोई भी क्रैक हो जाता था, गांव में देखा होगा कि जो बाल्टी रहती है अगर बाल्टी के नीचे कुरोजन हो गया और बाल्टी ख़राब होने लगती थी और उसकी मान लिया कि छेद हो जाते थे छोटे छोटे, तो आप लोग क्या करते थे गाँव में, अब भी मैंने देखा है कि लोग क्या करते थे, नीचे से जो कोलतार या बिटुमिन होता है उसको थोड़ा सा क्या करते हैं मतलब टेम्परेचर से हीट कर देते हैं, फिर एक लेप चढ़ा देते हैं। लेप चढ़ाने के बाद आपने देखा होगा कि जो बाल्टी है उसमें पानी मतलब क्या है कि कुछ दिन तक बाल्टी आपकी फिर से काम कर जाती है, तो इस तरीके से हम लोग उसको काम करते हैं। तो ये कह सकते हो कि वाटर रिपल्सिंग एजेंट की तरह बिटुमिन काम करता है, ठीक है। बहुत आसानी से याद करेंगे हम लोग, प्रैक्टिकली लाइफ से रिलेट कराएंगे, चीज़ें हमको आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ और मैथड्स होते हैं जिनके बारे में हमको यहाँ पर ध्यान देना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल मेथड होता है तीसरा, बिटुमिन में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस आपको इतना याद रखना है कि सुटेबल फॉर दिस सॉइल एंड वाटर रिपेलिंग तरह काम करता है। नेक्स्ट होता है दैट इज़ इलेक्ट्रिकल मेथड। इलेक्ट्रिकल मेथड क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सुटेबल फॉर कोहेसिव सॉइल के लिए सुटेबल होता है, ठीक है। कैन आल्सो बी डन यूजिंग इलेक्ट्रो ओस्मोसिस, ठीक है। ये चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मेथड आप वहीं पे अप्लाई कर सकते हो। सपोज दैट कि आपके पास यहाँ पे स्टेबलाइज करना है, तो सपोज दैट कि आपने ग्राउंड के नीचे असेंबली बना रखा है, इलेक्ट्रोड वगैरह आपने बना रखा है, सपोज दैट कि आपने यहाँ पे भी बना रखा है, तो क्या करते हैं कि एक चीज़ आपकी कैथोड होती है, सपोज दैट दिस इज द कैथोड, और एक चीज़ मान लेते हैं कि एनोड होती है, एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है निगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सुटेबल इलेक्ट्रिकल मेथड में क्या होता है कि जो है
कि एक तरीके से इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लिया कि कनेक्शन कर दिया बैटरी वैटरी से, इस तरीके से यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया, तो प्लस माइनस से इसका क्या होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है। अब ये क्ले सॉइल के लिए सुटेबल इसलिए है कि क्ले सॉइल में क्या होता है कि सपोज दैट कि यहाँ पे क्ले सॉइल है, दैट इज क्ले सॉइल, क्ले सॉइल स्टेबलाइज आपको करना है, तो आप क्या करोगे कि मान लिया कि आपको कोई साल्ट इसमें मिक्स करना है, तो जो साल्ट आपको मिक्स करना, पहली बात तो ये है ध्यान देना है यहाँ पे, दैट इज पार्ट सपोज दैट कि किस सॉइल पे इसको आपको मिक्स कराना है, तो आपको सपोज दैट कि क्ले के अंदर कोई केमिकल आपको मिक्स कराना है। इलेक्ट्रिकल मेथड में यही होता है कि चार्ज का ट्रांसफर होता है। अब जाहिर सी बात है कि क्ले आपकी कुछ ना कुछ इसके ऊपर चार्ज रहता है, और आप देखोगे कि सपोज दैट कि इलेक्ट्रोड होते हैं, सपोज दैट आपको जो केमिकल इसके अंदर मिक्स करना होगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल मेथड, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पे एनोड है, मतलब यहाँ पे निगेटिव रहता है, यहाँ पे पॉजिटिव रहता है। अब आप देखिए कि क्ले का पार्टिकल ज़्यादातर जो रहता है वो आपका निगेटिव रहता है, तो आप क्या करोगे कि क्ले को कहाँ पे रखोगे, ऐसी जगह रखो ताकि पॉजिटिव चार्ज आपका आ जाए, तो क्ले को हम लोग क्या कर देंगे, कैथोड पे रख देंगे, ठीक। और प्लस वाला जो चार्ज है यहाँ पे ऐसा केमिकल लेके आएंगे जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, तो क्या होगा, प्लस से चीज़ें कहाँ ट्रांसफर होंगी, माइनस की तरफ, तो इसलिए हमको इसको थोड़ा सा यूज़ करना है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकल मेथड इज सुटेबल फॉर क्ले सॉइल, क्ले सॉइल इसलिए क्योंकि क्ले पे चार्ज होता है, इसलिए वहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर आसानी से हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके बारे में डील किया, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, अगला है डिस्कशन करते हैं, यहाँ पे डील करते हैं, थोड़ा सा और कुछ पार्ट है, फिर हम अपने टॉपिक को ख़त्म करके कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं एग्जाम में वो पूछे गए हैं, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा ख़त्म करते हैं, एंडिंग करते हैं अपने टॉपिक के, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को डील करेंगे, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन को डील कर लेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट और भी अच्छे हो जाएंगे। हम क्वेश्चन जरूर करेंगे, अपनी आदत में बना लेंगे कि क्वेश्चन जरूर करना है, और आपको फ्रेंड्स घर पे प्रैक्टिस करना है, मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ वो तो करना ही करना है, उसके अलावा आप जितना प्रैक्टिस कर लोगे फिर आप देखोगे कि लेक्चर के साथ साथ अगर आप सॉइल को मजबूत करते जाओगे तो फिर आपको सॉइल बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैक्सिमम क्वेश्चन आप खुद ही कर ले जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, आगे हम लोग डील करने वाले हैं कि कुछ और केमिकल कंपाउंड है जिनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कल को अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अगर नहीं पढ़ाया तब भी दिक्कत है भाई, कहोगे कि पढ़ाया नहीं, तो इसलिए मैं पूरा ही डील कर देता हूँ, चीज़ें कहीं पे बचनी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूज़ ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड, इससे क्या फ़ायदा होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ क्यों करते हैं, इट एक्ट्स एज वाटर रिपल्सिंग एजेंट, इट एक्ट्स एज वाटर रिपल्सिंग एजेंट, किसकी तरह काम करता है, वाटर रिपल्सिंग एजेंट की तरह काम करता है, रिपल्सन, वाटर रिपल्सन एजेंट की तरह काम करता है। Used to stabilize sand in base पे अगर रहती है, sub base course जो रोड में आपने देखा होगा, सब बेस कोर्स ऑफ रोड, जो रोड में बेस कोर्स आपने पढ़ा होगा, सब बेस पढ़ा होगा, ठीक है। तब वहाँ पे अगर आप यूज़ करोगे तो क्या यूज़ करोगे, कैल्शियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, क्यों, ये वाटर रिपल्सिंग एजेंट होता है, रिपल्सिंग वाटर रिपल्सिंग एजेंट, क्योंकि देखो हाईवे में हम चाहते हैं कि पानी इंटर ना करे, तो एक तरीके से ये वाटर रिपल्सिंग एजेंट की तरह काम करता है, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। और रोड में सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कि भाई पानी किसी तरीके से रोड के नीचे से इंटर ना करे, ठीक है, तो इसलिए बात हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अगला कंपाउंड है यूज़ ऑफ सोडियम सिलिकेट, दैट इज़ NaSiO2, इसका यूज़ करते हैं,
ये क्या करता है, जिसमें कंपाउंड होता है जो NaSiO2 प्लस दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, ये कंपाउंड होता है प्लस वाटर, इसको बोलते हैं हम लोग हैं दैट इज कॉल्ड इज नोन एज वाटर ग्लास। इसको क्या बोलते हैं, वाटर ग्लास। ठीक है, ग्लास का चैप्टर जब आप पढ़ोगे, ग्लास बिल्डिंग मटेरियल में एक टॉपिक होता है, तो उसमें जब है ये सिलिका कंपाउंड, सोडियम का सिलिकेट, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर मिला करके जो भी ग्लास बनाया जाता है उसे बोलते हैं वाटर ग्लास। ये वाटर ग्लास की तरह काम करता है। वाटर ग्लास का मतलब यह हुआ कि एकदम वाटर जैसा क्रिस्टल दिखाई पड़ेगा जो भी एक लेयर बन जाती है, मतलब कि इन सब कंपाउंड को मिला करके एक सॉइल के आसपास, सपोज दैट दिस द सॉइल पार्टिकल है, सपोज दैट इसके आसपास एक ऐसी लेयर बनाएगा जो कि ऐसा लगेगा कि ये वाटर की जैसी एक लेयर है आसपास में, दिस इज द वाटर लेयर। आप आसपास में क्या देखोगे कि इसके आसपास में वाटर ग्लास बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड वाटर ग्लास। ये सॉलिड पार्टिकल हैं सॉइल के, इसके आसपास वाटर ग्लास बन जाएगा। और ये वाटर ग्लास क्या करता है, वाटर ग्लास, ग्लास पहली बात तो आपने देखा होगा कि ग्लास से पानी पास नहीं करता है, परमेबिलिटी एकदम जीरो होती है। इस वजह से आप देखोगे कि ये कंपाउंड इसलिए यूज करते हैं ताकि इनके बीच में आपका पानी इंटर ना कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से हमको यहाँ पे पढ़ना होता है। इसके सबको मिला करके एक बड़ी लेयर बन जाएगी जो कि आपकी सबसे बड़ी लेयर बन सकती है सारे कंपाउंड को काम करने के बाद। ठीक है, इसको सबको ज्वाइन कर दोगे तो एक बड़ी लेयर बन जाएगी जिसको हम लोग वाटर ग्लास बोल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूज्ड फॉर सैंडी सॉइल, किसके लिए यूज करते हैं, सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल के लिए इसलिए क्योंकि सैंड की परमिबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर आप वाटर ग्लास का एक लेयर बना दोगे उसके अंदर सॉइल के पार्टिकल के आसपास, तो पानी इंटर नहीं कर पाएगा। तो आप देखोगे कि एक लेयर बन जाएगी जो कि वाटर ग्लास की ये मैंने बनाई, इस तरीके से आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड वाटर ग्लास। ये क्या करेगा, टू रिड्यूस परमिबिलिटी ऑफ सैंडी सॉइल। बहुत ही चीज़ें डीप में है, इतना डीप में आपको बुक में थोड़ा सा मिलेगा नहीं, मैं अपने तरफ से ही सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, लास्ट पॉइंट है इसका, दैट इज वाटर ग्लास इज इंजेक्टेड, लास्ट पॉइंट है वाटर ग्लास इज इंजेक्टेड। इंजेक्टेड का मतलब होता है कि हाई प्रेशर में चीज़ों को इंजेक्ट करना, जैसे इंजेक्शन लगाते हो ना वैसे इंजेक्ट करना होता है। इंजेक्टेड इन सॉइल टू स्टेबलाइज डीप सॉइल डिपोजिट इट फॉर्म्स पीपीटी का मतलब यहाँ पे होता है प्रेसिपिटेट। इट फॉर्म्स प्रेसिपिटेट ऑफ सिलिका जेल। जैसे आपने बिल्डिंग मटेरियल में सिलिका जेल बोलते हैं, सिलिका जेल, जेल जैसे आप लगाते हो वैसे ही एकदम दिखाई पड़ता है सिलिका जेल। विदिन द पोर्स ऑफ सॉइल एंड मेक द सॉइल इम्परमेबल एंड आल्सो इंक्रीज शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना कि जो सैंडी सॉइल रहती है उसके लिए पहली बार सूटेबल होता है, प्लस इसमें हम लोग इसलिए ऐड करते हैं ताकि वो सिलिका जेल बन जाता है, और एक सिलिका जेल का प्रेसिपिटेट बन जाता है सिलिका जेल विद इन द सॉइल पोर्स। जो सॉइल का पोर है, जो इसके बीच में खाली स्थान होगा, यहाँ पे एक तरीके का क्या बन जाएगा, आपका सिलिका जेल बन जाएगा जो कि पानी को आसानी से इंटर करने नहीं देगा। ठीक है, इस तरीके से पानी को क्या कर देगा, रोक देगा। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, सॉइल को इम्परमेबल बना देता है, पानी इंटर नहीं कर पाता है, एंड ऑल्सो इंक्रीज द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे पॉइंट के बारे में लगभग डिस्कस किया। ठीक है, कोई भी पॉइंट यहाँ पे मैंने मिस नहीं किया, और आपका ये क्वेश्चन अब हम लोग कुछ क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि 3-4 क्वेश्चन हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि इन क्वेश्चंस को आपको यहीं पे कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन अलग से करेंगे तो उसमें भी टाइम वेस्ट होगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 3-4 क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग यहीं पर डील कर लेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है,
अगर ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो हम लोग अलग से क्लास में करते हैं उसको, लेकिन कुछ कम ही क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग यहीं पे अगर डील कर लेंगे तो हमारे लिए बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज़ रिलेटेड विथ क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन के बारे में डील करेंगे। एक बार अच्छे से क्लास को समझ लोगे तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। बस समझना ज़रूरी है, रट के नहीं निकल जाना है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, एक बात और बताएं कि लेक्चर को जितना कंसंट्रेट होकर देखोगे दिमाग में चीज़ें उतनी अच्छी आपको जाएंगी। अगर आप कंसंट्रेशन अच्छा नहीं रखोगे तो आज पढ़ोगे फिर भूल लोगे। आपको क्या करना है, जब भी लेक्चर मेरा देखना आपको फुल्ली कंसंट्रेट होकर पढ़ना है, किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस आपको ना हो उस समय आपको लेक्चर पढ़ना है, फिर आप देखना कि सॉइल में आपको कितना मजा आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फ्रेंड्स टॉपिक को अपना कवरअप करना। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड विथ, इससे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आना नहीं क्योंकि हमने अभी तक जो डिस्कस किया उसमें थ्योरेटिकल है। सॉइल थोड़ा सा आपका जो टॉपिक है अभी तक जो मैंने पढ़ा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, मतलब बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पॉइंट थे, लेकिन आगे के टॉपिक इतना थ्योरेटिकल नहीं है तो हमें दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से हम टॉपिक को लगभग कंप्लीट कर लेते हैं। तो आगे हम लोग चलेंगे, आपको खुद ही जवाब देना है। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है जो भी मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद में आप आंसर बताइए खुद ही। आंसर आप निकाल ले जाओगे क्योंकि अभी आपने पढ़ा है तो आपको चीज़ें बहुत ही आसानी से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन दैट इज़ रिलेटेड विथ IES, क्वेश्चन नंबर वन IES 2000 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वेट कोहेसिव, थोड़ा सा मैं डार्क मार्कर से लिखता हूँ ताकि आपको दिखाई पड़े, अ वेट कोहेसिव सबग्रेड इज मोस्ट इफेक्टिवली स्टेबलाइज्ड बाय एडिशन ऑफ, ठीक है, बाय एडिशन ऑफ, पहला है दैट इज सीमेंट, बी है दैट इज रिलेटेड विद फ्लाई एस, सी ऑप्शन है आपके सामने बिटुमिन, और डी ऑप्शन है लाइम। अब आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से आंसर निकालिए, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा, ठीक। उसके बाद में एक और क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है इसी से रिलेट करके, SSC JEE में पूछा गया है, दैट इज़ सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, 2013 में पूछा गया है, SSC JEE में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है द लाइम स्टेबलाइजेशन, देखिए क्वेश्चन चेंज किया है, द लाइम स्टेबिलाइजेशन, द लाइम स्टेबलाइजेशन इज वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग किसको ट्रीट करने के लिए सुटेबल होता है। वही क्वेश्चन है लेकिन घुमा दिया, पहला है सैंडी सॉइल, ठीक है, दूसरा ऑप्शन उसने बताया है क्या, दैट इज सिल्टी सॉइल, नॉन प्लास्टिक सॉइल, डी है प्लास्टिक क्ले सॉइल, ठीक है, प्लास्टिक क्ले सॉइल। अब आप देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन लगभग सेम ही, बस चेंज कर दिया उसने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, ये पूछा गया है IES में, दैट इज IES या इसके पहले IES में, ये 2008
2008 और 2015 में ये रिपीट हुआ, दो बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखोगे क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स लाइम स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या है, लाइम स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल leads to decrease in shrinkage limit। ठीक, उसके बाद दूसरा ऑप्शन बोला है increase in plastic limit। थर्ड वन इज decrease in liquid limit। फोर्थ वन इज दैट इज देयर स्वेलिंग पोटेंशियल डिक्रीजेस, देयर स्वेलिंग पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है, फिर क्या है, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, नेक्स्ट बात क्या है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, इसके बारे में उसने पूछा। पहली बात अगर हम लिखें, पहला बोला है 1, 2 and 3। ठीक है, बी ऑप्शन बोला है दैट इज 1, 3 and 4। सी ऑप्शन है 1, 2 and 4 और डी ऑप्शन है दैट इज 2, 3 and 4। ये सारे ऑप्शन आपके सामने है। अब एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम दो क्वेश्चन और करेंगे। पहला क्या है, अ वेट कोहेसिव सबग्रेड, सबग्रेड का मतलब जैसे आप हाईवे बनाते हो, मोस्ट इफेक्टिवली स्टेबलाइज बाय समथिंग। अब आप ये बताइए, सीमेंट है, फ्लाई ऐश है, बिटुमिन किसके लिए सूटेबल था, मैंने पढ़ा था बिटुमिन जो सूटेबल था वो सैंडी सॉइल के लिए सूटेबल था, किसके लिए, सैंडी सॉइल के लिए था। फ्लाई ऐश ये भी जो सूटेबल होता है दोनों के लिए होता है। सीमेंट जो है ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए सूटेबल था, किसके लिए, ऑल टाइप था लेकिन एक्सेप्ट ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा एक्सेप्ट ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लाइम, क्योंकि हमने पढ़ा था लाइम जो इट इज़ सुटेबल फॉर सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज द डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से चेंज किया, लाइम स्टेबलाइजेशन इज वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग, वेरी इफेक्टिव की बात हो रहा, मतलब सबसे अच्छा किसके लिए होगा, सैंडी सॉइल, गलत, सैंडी के लिए तो हम यूज ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट सिल्टी सॉइल, ये भी नहीं हो जाएगा। नॉन प्लास्टिक का मतलब होता है ग्रेवल या सैंड होता है, हाँ प्लास्टिक क्लेई सॉइल के लिए ज़्यादा सूटेबल होगा, क्योंकि जिसमें सबसे ज़्यादा कोहेशन होगा आपका लाइम स्टेबलाइजेशन उसी के लिए सही होगा। तो आप देख सकते हो कि एसएससी जेई में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, हम एक बार पढ़ लेंगे तो हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लाइम स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल लीड्स टू, मतलब लीड्स टू का मतलब है यहाँ पे क्या परिवर्तन होने वाला है, दैट इज डिक्रीज इन श्रिंकेज लिमिट। अरे अगर आपने पहले स्टेटमेंट पहचान लिया तो गलत हो गया भैया, डिक्रीज इन श्रिंकेज लिमिट नहीं होता है, इंक्रीज इन श्रिंकेज लिमिट होता है। अगर आप पहला स्टेटमेंट पहचान लोगे तो आपको आगे पहचानने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पहला गलत हो गया तो फिर ये भी गया, फिर ये भी गया, फिर ये भी गया, बचा कौन सा, 2, 3, 4। इसका मतलब यह है कि अगर आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन की पता थी तो आपका आंसर आराम से सही होने वाला था, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। लेकिन बस आपको यही पता होना चाहिए कि डिक्रीज इन श्रिंकेज लिमिट नहीं होता है, इंक्रीज इन श्रिंकेज लिमिट होता है। इंक्रीज इन प्लास्टिक लिमिट बिल्कुल सही है, डिक्रीज इन लिक्विड लिमिट बिल्कुल सही है, लिक्विड लिमिट घट जाती है, मैंने बताया भी था ग्राफिकली। देयर स्वेलिंग पोटेंशियल डिक्रीज, यस
क्योंकि हम लोग स्टेबलाइज इसीलिए तो करते हैं ताकि उसका स्वेलिंग पोटेंशियल और वैल्यूम एक्सपेंशन क्या हो, कम हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4। तो ये जो स्टेटमेंट वाले होते हैं ना, 1, 2, 3 वाले, इसमें अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक ठाक हैं, अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन दो इन्फॉर्मेशन पता है, तो आप इलिमिनेट करके भी निकाल सकते हो क्वेश्चन को। इसमें मुझे कुछ नहीं पता था, एक स्टेटमेंट पता था, लेकिन 2, 3 फिर मार देंगे, ज़्यादा कहानी आगे नहीं पढ़ने जरूरत है। अगर आपको एग्जाम में बैठे हो तो आपको अगर पहला ऑप्शन मिल गया था तो फिर खटाक से आपको इस पर टिक करके आगे निकल जाना, ज़्यादा टाइम वेस्ट वहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो इसे कहते हैं इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड से हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी से निकाल लेते हैं। अब फ्रेंड्स, हम कुछ दो क्वेश्चन और करेंगे जो कि इसी से रिलेटेड हैं, उससे बारे में हम लोग थोड़ा सा डील करते हैं। एक दो क्वेश्चन और हैं जिनको हम लोग डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ रिलेटेड विथ, आगे हम बात करने वाले हैं, रिलेटेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन एक और पूछा है, उससे हम लोग क्या करेंगे, इसको रिलेट कराएंगे। दैट इज रिलेटेड विद कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। दैट इज रिलेटेड विद द डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, या गेट का एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है दैट इज गेट में पूछा हुआ है, क्या पूछा, गेट 1996 में पूछा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन रिक्वायर, क्वेश्चन नंबर 4, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन रिक्वायर्स मिक्सिंग ऑफ टू आर मोर टाइप्स ऑफ नेचुरल सॉइल्स। नेक्स्ट है बी, दिस इज द ए, दिस इज द बी, अगला है एडिशन ऑफ केमिकल टू सॉइल्स। सी है दैट इज एडिशन ऑफ लाइम टू सॉइल। डी ऑप्शन कह रहा है दैट इज एडिशन ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल टू सॉइल। ठीक है, ये सारे उसने बात बताई। ठीक, क्लियर। एक और क्वेश्चन लिखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज रिलेटेड विद द, दैट इज क्वेश्चन इज कह रहा है कि आपका क्वेश्चन कह रहा है द बिटुमिन स्टेबलाइजेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर हाई प्लास्टिक सॉइल। बी ऑप्शन है दैट इज लो प्लास्टिक सॉइल। सी ऑप्शन है जीरो प्लास्टिक सॉइल। नेक्स्ट है डी, मीडियम प्लास्टिक सॉइल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मीडियम प्लास्टिक सॉइल। ठीक है, क्वेश्चन वही है लेकिन चीज़ें मैंने क्या कर दिया, बदल दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बिटुमिन का जो आपका यूज़ करते हो स्टेबलाइजर की तरह,
तो आप ये पता होना चाहिए कि बिटुमिन किसके लिए यूज़ करते हो। बिटुमिन आप यूज़ करते थे सैंडी सॉइल के लिए। अब ये सैंडी सॉइल में पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि सैंड आपकी कोहेसिव सॉइल है या नॉन कोहेसिव है, ठीक है, या कोहेसन लेस जिसको आप बोलते हो। तो सैंड आपकी क्या है? कोहेसन लेस है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोहेसन लेस सॉइल होती है, जो भी हमारी सैंड है, तो सैंडी सॉइल जो रहती है, सैंडी सॉइल कोहेसन लेस होती है। क्या होती है? कोहेसन लेस होती है। और जो कोहेसन लेस सॉइल होती है उसका जो आईपी होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स जिसको बोलते हो, आईपी जीरो होता है, ठीक है, या आप कह सकते हो जीरो प्लास्टिक सॉइल, इसको क्या बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड जीरो प्लास्टिक सॉइल, जीरो प्लास्टिक सॉइल। तो सैंडी जो सॉइल होती है उसकी प्लास्टिसिटी क्या होती है? जीरो, या प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है? जीरो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। या ऑप्शन में वो ऐसे बना के देता कि बिटुमिन स्टेबलाइजेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर, ऑप्शन में देता क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल, ग्रेवली सॉइल, ऐसे करके देता, तब भी आंसर क्या होता? सैंडी सॉइल। तो इसके ऑप्शन और भी वो बना सकता था, मैं वो ऑप्शन भी दे देता हूँ, एक और ऑप्शन लिख लो आर करके, इसी क्वेश्चन को आर करके लिखना है, सैंडी सॉइल, ठीक है, दूसरा है क्ले सॉइल, क्ले सॉइल, इसी क्वेश्चन में और ऑप्शन लिख लो, सी है सिल्टी सॉइल, सी है सिल्टी सॉइल, ठीक है, और डी है आपका, दैट इज डी है सिल्टी प्लस क्ले, सिल्टी प्लस क्ले सॉइल, दोनों का मिक्सचर है। तो दिस इज सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल के लिए सुटेबल होता है। या तो आपको एग्जाम में ऐसे ऑप्शन वो बना दे, या तो आपको एग्जाम में ऐसे ऑप्शन बना दे, ठीक है। अब हम लोग डील करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है, तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, उसका ऑप्शन भी समझ में आ गया। गेट में पूछा है 1996 में पूछा है, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन रिक्वायर। अब मैकेनिकल है तो केमिकल तो यूज नहीं होना है, तो हर जगह तो केमिकल यूज किया है, एडिशन ऑफ लाइम केमिकल है, एडिशन ऑफ केमिकल ये भी केमिकल है, एडिशन ऑफ सीमेंटिंग ये भी केमिकल है, तो बचा क्या? ए मिक्सिंग ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ नेचुरल सॉइल, टू सॉइल को मिक्स करते हैं उसके बाद उसको कॉम्पैक्ट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल मेथड होता है। मैकेनिकल का मतलब मिक्सर यूज करोगे आप, सॉइल को मिक्स करने के लिए कोई ना कोई टेक्निक तो अपनाओगे जिससे कि वो आपका अच्छे से मिक्स हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल। अगर हम बात करें कुछ और क्वेश्चन अगर हमारे पास हो तो हम उसको थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन हमने डील किया, एक क्वेश्चन है जिसको करना नहीं है, ऐसे ये आप घर पे देख लीजिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन एडिशन ऑफ लाइम टू क्ले सॉइल जनरली। इसमें ये पूछा है कि क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर आप लाइम जो है ऐड करोगे क्ले में। क्या कह रहा है? मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ बोथ इंक्रीजेस। मतलब उसने ये कहा है कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ बोथ इंक्रीजेस, ठीक है चलो। दूसरा स्टेटमेंट कहा है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी डिक्रीजेस बट स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। फिर क्या कह रहा है? थर्ड ऑप्शन, दैट इज मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ओएमसी बोथ इंक्रीजेस। तो इस तरीके का क्वेश्चंस भी वो पूछ लेते हैं, तो ये क्वेश्चन आप घर पे जाकर के एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं से भी मिले, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक मैंने खुद से बनाया था तो जनरल था, लेकिन हाँ ये पांच क्वेश्चन अगर आप इसमें देखोगे तो आपके लिए काम कर जाएंगे, ज़्यादा सुटेबल है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैंने आज का जो है सॉइल स्टेबलाइजेशन कंप्लीट कर दिया, सॉइल इंप्रूवमेंट टेक्निक, ये जबकि 13 नंबर चैप्टर था मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिया। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम लोग रिलेट करेंगे परमेबिलिटी से, और बहुत अच्छे से उसको डील करने वाले हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे डेरिवेशन है, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। थोड़ा सा बोरिंग लगता है थ्योरेटिकल मुझे भी, लेकिन क्या है पढ़ाना तो है ही है, इसलिए आपको भी तो प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।